अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर गर्जे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता, गन्ने की होली जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुंडा पांडे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल को लेकर आज दलपतपुर मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जल्द ही सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने अपनी सभी मांगों को एक ज्ञापन के माध्यम से सभी बिंदुओं पर जल्द ही समाधान करने की मांग की है। सरकार से मांग की है कि किसान विरोधी बिल जल्द ही वापस लिया जाए और किसान आयोग का गठन होना चाहिए। लॉकडाउन में जो बिजली का बिल आया है वो बिल भी माफ होना चाहिए। लॉकडाउन में सभी का रोजगार खत्म हो गया था। जो राशन डीलर गरीब जनता के मुंह का निवाला छीनकर अपनी जेब भर रहे हैं, उन पर तत्काल कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जिसका सीधा फायदा हर गरीब परिवार को मिले। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रिजवान का कहना है कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। मोहम्मद शादाब, ग्राम मैनी, ब्लॉक मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद ने धान की खरीद करने के लिए कर्ज लेकर सरकारी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। उसके हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके, और लड़की के नाम से चल रही ट्रांसपोर्ट कंपनी की जांच की मांग की है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु पहले ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश सचिव, डीएम, एसडीएम को स्पीड पोस्ट कर शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके संबंध में आज फिर एक बार कार्यवाही की मांग करते हुए जब तक पूरे प्रकरण की जांच नहीं होती तब तक धान खरीद की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इन सभी तथ्यों पर सुनवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन भानु व्यापक आंदोलन को विवश होगी। और क्षेत्रीय काफ़ी मतलब जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली बिल को लेकर के हैं, कई और शिकायतें हैं जो मतलब कोटा डीलर से संबंधित हैं, जो कोटा डीलर आज नहीं पहुँचा रहे बात करने को, वो आज मतलब मैंने इसके धरने के द्वारा और किसानों के द्वारा यहाँ जिसका ज्ञापन हमारे एसडीएम साहब ने ले लिया है और सभी किसान भाइयों को उससे अवगत कराया गया है और उसको खुद मतलब जो कार्रवाई करने का आश्वासन लेकर के गए हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या एसडीएम साहब कराते हैं। अगर एसडीएम साहब इसमें कार्रवाई कराने में सक्षम नहीं हुए तो फिर खुद मतलब जो भारतीय किसान यूनियन भानु उग्र आंदोलन करने मजबूर होगी, जिसकी क्या जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की हो भारतीय किसान यूनियन की। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं सरकार से? हमारी मुख्य मांगे एक तो किसान विरोधी बिल जो पास किए हैं उसको वापस लिया जाए, जो गन्ने का भुगतान है अभी किसानों का वो उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए, जो राशन डीलर क्षेत्र में जगह जगह हर ग्राम में एक राशन डीलर होता है वो पात्रों को राशन ना दे करके कालाबाजारी कर रहे हैं उनको रोका जाए, बिजली विभाग जो बिल बढ़ा बढ़ा करके अत्याचार कर रही है किसानों पर, मजबूर कर रही है, उनसे पैसा फिरौती वसूल रही है रिश्वत के नाम से, उसको रोक लगाई जाए, बिजली बिल माफ़ किए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या आगे करेंगे? अगर धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे और रोड पर उतरेंगे, बाकी सब तैयारी चल रही है। वैसे एसडीएम साहब हमें बहुत मतलब जो आश्वासन दे करके गए हैं इसमें कार्रवाई होंगी और जांच भी होंगी। आज क्या किया है आपने N24 पर? आज हमने होली करीब जलाई है गन्ने की, और जो बकाया भुगतान है गन्ने का उसको लेके मतलब जो धरना प्रदर्शन जोरों से किया है और सरकार तक इसकी आपके द्वारा मांग आवाज़ उठाई है और मांग कर। अच्छा, जो सरकार ने कृषि बिल 3 पास किए हैं तो क्या उनका आप किस तरीके से समर्थन करते हैं? किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, बायकॉट करते हैं। ठीक है। NH24 पर इन्होंने होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य मांगे हैं और किस लिए विरोध जताया था? मैं तो सुझाव ही कहूँगा, जो आप लोग के ज्ञापन के द्वारा आप लोगों ने जो कुछ मांगे हैं, जो सुझाव दिए हैं, जो डे टू डे गवर्नेंस जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित ही आप लोग ने जो बातें बताई हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे जो है जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो जाए और क्षेत्र की जो मांगे हैं तो उनको प्रायोरिटाइज करते हुए उनको एड्रेस कर लें। अच्छा, चने वाले मामला मुंडा पांडे थाने क्षेत्र में तूल बनता चला जा रहा है, राशन डीलों की कालाबाजारी थमने का नाम ले रही है, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है सर? अभी 2 दुकानों पर FIR हुई है, जो सबके स्टॉक चेक हुए थे पूरे मुंडा पांडे क्षेत्र के, तो जो 2 ऐसे राशन डीलर थे जिनके स्टॉक जो है नहीं मैच कर रहे थे उनके वितरण से, उन पर FIR हुई है और निश्चित ही जो है इस पर आगे कसी जाएगी और लोग सर एक इनका धान वाला मामला सामने आया जो कि ये मांग कर रही है उसकी भी क्या पूरा मामला है इसका? कुछ जो क्रय हुआ था पिछले वर्षों में उसमें संबंधित क्रय केंद्र ऐसा था जहाँ पे कुछ अनियमितताएँ बरते जाने का आरोप थे, तो उसमें जो है FIR भी शायद दर्ज हुई है, पूरे मामले को अभी दिखाऊंगा,
और मांग अभी यही है कि उसको दोबारा क्रय केंद्र ना बनाया जाए, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नहीं बनाया जाएगा, अगर बना होगा तो उसे हटवाया जाएगा। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है सर।